मैं पंडित पवन तिवारी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी नया साल आने वाला है 2022। अब 2022 जो साल है ये 6 नंबर पर आता है, तो कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि ये 6 नंबर का साल आ रहा है और मेरा मूलांक या मेरा जो साइकिक नंबर है वो ये है, तो मेरे लिए ये साल कैसा जाएगा। इस को समझाने के लिए मैं आपसे एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी रिसेंटली मैं एक गारमेंट शोरूम में गया, वहाँ पर एक सज्जन मेरे जान पहचान के थे। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो बोले, सर आइए, आपसे थोड़ा बात करनी। मैं उनके पास जाकर बैठा, वो बड़े परेशान से लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या परेशानी है आपको, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो उन्होंने बोला, पंडित जी कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि आने वाला जो साल है 2022 का वो 6 नंबर पर आ रहा है और मैं 3 नंबर से रूल करता हूँ। 3 नंबर से रूल करने का मतलब मूलांक उनका 3 था। बोले, मैं इस तरह से परेशान हूँ क्योंकि मैं कुछ थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी जानता हूँ, कुछ मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखे हैं और ये साल मेरे लिए बड़ा ख़राब होने वाला है, आप मुझे इसके लिए रेमेडी बताएं। तो मैंने कहा, सर देखिए, ऐसे रेमेडी नहीं बताई जाती कि यदि आप बता रहे हैं कि ये 6 नंबर का साल आपके लिए आ रहा है तो ऐसा नहीं होता है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें बताएं, हम आपकी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हमें मालूम चलेगा कि 2022 साल जो है वो आपके लिए कैसा है। उन्होंने तत्काल ही मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई। मैंने डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज किया। जब एनालाइज किया तो ये पता चला कि 2022 जो साल है वो उनके लिए 5 नंबर का आ रहा है। अब देखिए, ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि भविष्यवाणियां जो यूट्यूब पर या किसी पत्रिकाओं में आती हैं वो एक जनरल भविष्यवाणी की तरह होती हैं, कि वो साइकिक नंबर यानी आपके मूलांक, एक जनरल जो मूलांक होता है 1 से 9 के बीच में, उस मूलांक के आधार पर उस पर्टिकुलर 6 नंबर का जो पर्सनल ईयर है उससे उसको मिलाकर और वो बता दिया जाता है। उससे थोड़ा भ्रम की स्थिति बन जाती है और लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह से इस प्रकार के वीडियो को देखकर या किसी समाचार पत्र में जनरल मूलांक से साल का विवरण देखकर भ्रम ना पालें, पैनिक ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। किसी भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए 6 नंबर का 2022 जो साल है वो 1 से लेके 9 नंबर तक किसी भी नंबर पे आ सकता है। इसके लिए आपको, यदि आपको कुछ कंफ्यूजन है, तो किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज कराना चाहिए और एनालाइज कराने के बाद जब आपको मालूम चलेगा कि ये मेरा जो ईयर का नंबर है ये नंबर तो मेरे लिए फेवरेबल है। तो इसी तरह से उन सज्जन ने जिन्होंने मुझसे बोला था कि मेरा जो मैं 3 नंबर से रूल्ड होता हूँ और ये जो साल है आने वाला 2022 वो 6 नंबर का है, तो 3 नंबर और 6 नंबर एंटी नंबर होते हैं, यही सोच के उनने, और जब उनका ईयर का नंबर 5 आया तो 5 नंबर उनके लिए बहुत फेवरेबल था। तो मैंने उनको बताया कि आपको किसी भी प्रकार की किसी रेमेडी की आवश्यकता नहीं है, आप तो बिंदास होकर अपना काम कीजिए, आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपके रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे, तब जाकर उनकी जान में जान आई। तो दोस्तों, आज जो वीडियो मैंने बताया है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो तुरंत ही मिल जाएं। और इसके साथ ही मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि यदि आप चाहें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस मुझसे करवा सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, व्हाट्सएप पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं बताऊँगा आपको कि ये आने वाला साल जो 2022 है वो आपके लिए कैसा होने वाला है। इसी तरह से न्यूमरोलॉजी हर क्षेत्र में एक गाइडेंस का काम करती है आपके लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कैरियर हो, चाहे मैरिज लाइफ हो, चाहे
जो कुछ भी आपके जीवन में परेशानियां हैं इन चीज़ों को लेकर, उसके लिए न्यूमरोलॉजी बहुत बेहतर तरीके से आपको गाइड करती है और इतना सटीक विश्लेषण इसमें होता है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम ऑफ बर्थ की आवश्यकता नहीं होती है, हमें सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम जो है कैपिटल लेटर में वो चाहिए होता है। हम सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ को का विश्लेषण करके आपके नेम नंबर के साथ में उसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं। फिर क्या है, फिर जिंदगी में आगे बढ़ना आगे बढ़ना आगे बढ़ना।